यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता के लिए शिमला से छात्रों का दल रवाना हो गया है। 14 फरवरी को दिल्ली के आईआईटी में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश से उत्तीर्ण छात्रों को शिक्षा मंत्री ने विधानसभा परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, पिछले साल इस प्रतियोगिता में शिमला से केवल एक छात्र का ही चयन हुआ था, लेकिन इस साल शाहतलाई में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 छात्रों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छात्रों को रवाना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और बच्चों का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया इन छात्रों को दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता में ये छात्र हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया है। इस्लाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। वो साइंटिस्ट थे और राष्ट्रपति अमूमन भारत में जो है वो बहुत उच्च स्तर के फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट या पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत ऊंचे लेवल पर जो रहे हैं वो रहे हैं। तो उनमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हैं। उन्होंने जब राष्ट्रपति थे और उसके बाद पूरे देश में जो है साइंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काम किया, जिसमें उन्होंने एक साइंस के जो है वो बच्चों को निचले लेवल से लेकर के जो है स्कूल में जो पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में हो, कहीं पर भी हो, वो साइंस के प्रति जो है उनका ध्यान भी हो और उसमें क्रिएटिव काम करें,